मित्रों नमो नमः। जीके राजस्थान के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके सामने कारक पार्ट टू का वीडियो लेकर के आए हैं। चलिए आइए शुरुआत करते हैं कारक पार्ट टू का। मित्र आपके हाथ में कॉपी होगा, पेन होगा, आप नोट्स बना रहे होंगे, बड़ी मज़ा आएगी। मैंने आपसे वादा किया था कि जितने भी वीडियो आप कारक के पढ़ेंगे वैसे दो ही वीडियो बना है। कारक पार्ट वन बन चुका है, कारक पार्ट टू आज पढ़ने जा रहे हैं। दो वीडियो आप पढ़ लेंगे, कारक से कोई भी सवाल आएगा आपका सही हो जाएगा। आइए षष्ठी से सवाल है, षष्ठी से किस विभक्ति का, तो बिल्कुल से माने शेष में षष्ठी लगेगी, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। से षष्ठी ही, से षष्ठी ही, शेष में षष्ठी विभक्ति लगती है। शेष में कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण में क्रमशः विभक्तियां तो लग गई, जो बचा खुचा उसका नाम हुआ शेष, और शेष में क्या लग गया षष्ठी, तो से षष्ठी ही, से षष्ठी ही। कारक प्रातिपदिकार्थ व्यतिरिक्त स्वस्वामी भाव संबंध शेषः तत्र षष्ठी ही। कारक प्रातिपदिकार्थ व्यतिरिक्त स्वस्वामी भाव संबंध शेषः तत्र षष्ठी ही। अगला सवाल, आधार कितने प्रकार का होता है मेरे भाई बहन, तो बी राइट आंसर। आधार तीन प्रकार के होते हैं। आधार के कितने प्रकार हैं, तो आधार के तीन प्रकार हैं मेरे भाई बहन। तीन प्रकार का आधार है, कौन कौन मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। पहला आधार है औपश्लेषिक आधार, दूसरा है वैश्यिक आधार, तीसरा है अभिव्यापक आधार। औपश्लेषिक आधार, वैश्यिक आधार और अभिव्यापक आधार के हिसाब से आधार हमारे पास तीन प्रकार का होता है, यानी बी राइट आंसर। अगला सवाल, राज्ञः पुरुषः, इस वाक्य में पुरुषः में कौन विभक्ति है, पुरुषः में पूछा जा रहा है मेरे भाई बहन। ए राइट आंसर, पुरुषः में प्रथमा विभक्ति है। अगर राज्ञः पूछा जाता तो राज्ञः में षष्ठी लगी है, पुरुषः पूछा गया है पुरुषः में प्रथमा लगा है। नोट कर लीजिएगा, पुरुषः में प्रथमा विभक्ति लगी है और राज्ञः में षष्ठी विभक्ति लगी है, क्योंकि अगर राज्ञः पूछा जाता तो षष्ठी सही होता, पुरुषः पूछा गया है मेरे भाई बहन, इसीलिए प्रथमा सही हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, प्रश्न समझते चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला सवाल, अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा, औपश्लेषिक आधार का उदाहरण है, औपश्लेषिक आधार का उदाहरण है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा रहा है मेरे भाई बहन। हमारे पास आधार तीन प्रकार के होते हैं, औपश्लेषिक आधार, अभिव्यापक आधार। बहुत ध्यान से समझिएगा, यहाँ से क्वेश्चन 100% पूछा जाता है, 100% सवाल आएगा। आधार के तीन प्रकार हैं, औपश्लेषिक आधार का उदाहरण पूछा जा रहा है, अभिव्यापक आधार का उदाहरण पूछा जाएगा, यानी औपश्लेषिक, अभिव्यापक, वैश्यिक, तीनों आधार के उदाहरण पूछे जा रहे हैं मेरे भाई बहन। तो चलिए जल्दी से बताइए, औपश्लेषिक आधार का उदाहरण क्या है, जल्दी से बोलिए। तो ए राइट आंसर, कटे आस्ते, कटे आस्ते, ये औपश्लेषिक आधार का उदाहरण है। कटे माने चटाई पर, आस्ते माने बैठता है। सबका उदाहरण याद कर लीजिएगा, तीनों आधार का उदाहरण याद कर लीजिएगा, औपश्लेषिक आधार का, वैश्यिक आधार का और अभिव्यापक, तीनों आधार का उदाहरण आप याद कर लीजिएगा ना। कटे आस्ते और स्थाल्याम पचति, ये दो उदाहरण औपश्लेषिक के हैं। मैं यहाँ लिख दूँ, औपश्लेषिक आधार के दो उदाहरण हैं, एक आपको यहाँ लिखा है कटे आस्ते और एक मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ अस्थाल्याम पचति, अस्थाल्याम पचति, ये दो उदाहरण आप नोट कर लीजिएगा ना। एक है कटे आस्ते, कटे आस्ते, और दूसरा उदाहरण है अस्थाल्याम पचति। ये दोनों उदाहरण किसके हैं, औपश्लेषिक आधार के हैं। ये दो उदाहरण किसके हैं मेरे भाई बहन, औपश्लेषिक आधार के उदाहरण हैं, आप समझ गए होंगे। आइए अगला सवाल, अगला सवाल है अभिव्यापक आधार का उदाहरण है, अभिव्यापक आधार का उदाहरण पूछा जा रहा है,
जिसमें व्याप्य व्यापक भाव संबंध होता है ना। अभी व्यापक आधार का उदाहरण क्या है? तो सी राइट आंसर, तिले सुतैलम ना। अभी व्यापक आधार का और उदाहरण आप लिख लीजिए, तिले सुतैलम के अलावा लिख लीजिए पयसी घृतम भी इम्पॉर्टेंट है मेरे भाई बहन, तिलेशु तैलम भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और एक है लिख लीजिए सर्वस्मिन आत्मा अस्ति। तीनों लिख लीजिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है, सर्वस्मिन आत्मा अस्ति, तिलेशु तैलम ना। ये अभी व्यापक आधार का उदाहरण है। अगला वैशिक आधार का उदाहरण क्या है? वैशिक यानी जिसमें बुद्धि का संबंध हो ना, या मन का, तो बी राइट आंसर, मोक्षे इच्छा अस्ति। वैशिक आधार का उदाहरण है मोक्षे इच्छा अस्ति, बी राइट आंसर। मैं लिख दूं मोक्षे इच्छा अस्ति, मोक्षे इच्छा अस्ति, ध्यान से सुनिएगा, सबका लिख लिख के बता दे रहे, मोक्षे इच्छा अस्ति एक किस आधार का उदाहरण है? तो वैशिक आधार का, किस आधार का लिख लीजिए, वैशिक आधार का उदाहरण है। तो आप समझ गए होंगे वैशिक आधार का उदाहरण जरूर याद कर लेना, एग्जाम में उदाहरण पूछा जाता है। फिर बता दे रहे हैं वैशिक आधार का उदाहरण है मोक्षे इच्छा अस्ति, वह मोक्ष की इच्छा करता है, उसका मन है कि मुझे मोक्ष मिल जाए। आइए फिर मैं आपको बता दूं, एग्जाम में अगर पूछा जाए कटे आस्ते एक इसका उदाहरण बनेगा कटे आस्ते, तो आप नोट करते चलेगा, ये बनेगा औपश्लेषिक आधार का कटे आस्ते एक इसका उदाहरण है औपश्लेषिक का, नोट्स बना लीजिएगा, इसीलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ताकि आप नोट्स बनाते चलें। कटे आस्ते औपश्लेषिक का है। फिर पूछ ले कटे आस्ते के अलावा पूछ ले अस्थाल्याम पचति ये भी पूछ ले किसका उदाहरण है, तब भी आपका वही जवाब होगा, औपश्लेषिक आधार का उदाहरण है, नोट कर लीजिएगा। अगला अगर बने तिले सुतैलम तिल में तेल है, ये किसका है? ये अभी व्यापक का है, किसका है मेरे भाई बहन? अभी व्यापक आधार का उदाहरण है, तिल में तेल है। आप बता ही नहीं पाओगे तिल के किस भाग में तेल है, जब ये ना बता पाओ तिल के किस भाग में तेल है, ऊपर नीचे बीच में कहाँ है, आप नहीं बता पाओगे। तो अभी व्यापक आधार का उदाहरण बने तिले सुतैलम, और अगला उदाहरण इसका लिख लीजिए पयसी घृतम एक इसका उदाहरण है, ये भी अभी व्यापक का उदाहरण है, नोट कर लीजिएगा ये भी किसका उदाहरण है, अभी व्यापक का उदाहरण है, नोट कर लीजिएगा। अगला एक उदाहरण और लिख लीजिए सर्वस्मिन आत्मा अस्ति ये भी किसका उदाहरण है, सर्वस्मिन आत्मा अस्ति ये भी अभी व्यापक का उदाहरण है। सबका उदाहरण मैं बता दिया हूँ, और आपको ये भी बता दे रहा हूँ एक प्रश्न उदाहरण से जरूर आएगा, नोट कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा, सबका उदाहरण मैं लिख लिख करके आपको बता दिया हूँ। चलिए अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा कि जन्य जनक संबंध किस विभक्ति में होता है, जन्य जनक भाव संबंध षष्ठी में होता है। जन्य जनक भाव संबंध किसमें होता है, किस विभक्ति में? तो षष्ठी विभक्ति में होता है मेरे भाई बहन, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आइए अगला सवाल बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के हम आए हुए हैं। अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा वृक्षात पत्राणि पतंती
वृक्षात पत्राणि पतन्ति पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुई? पंचमी विभक्ति की बात कर रहे मेरे भाई बहन, पंचमी विभक्ति करने वाला एक ही सूत्र है, कौन? अपादाने पंचमी, अपादान में पंचमी लगती है, लेकिन किस सूत्र का उदाहरण है? अगर इस तरह सवाल पूछता तो ध्रुवम अपाये अपादानम, अपायो विश्लेषः तस्मिन् साध्ये यत् ध्रुवम अवधिभूतम अपादान संज्ञम स्यात्। वृक्षात पत्राणि पतन्ति, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है। अगला सवाल, निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है? अभी मैंने आपको बताया कि परितः के योग में द्वितीया लगती है, परितः के योग में क्या लगती है? द्वितीया। पूछा कौन सा वाक्य शुद्ध है, जहां द्वितीया लगी हो वही शुद्ध है, तो द्वितीया देखो यहीं लगी है, ग्रामम परितः वृक्षाः सन्ति, गांव के चारों ओर पेड़ है। ग्रामम परितः वृक्षाः सन्ति, ग्रामम में द्वितीया है, ग्रामम में, जैसे रामम ग्रामम ना, रामः रामम रामेण रामाय रामात रामस्य रामे राम ना, वैसे ग्रामः ग्रामम न, विद्यालयः विद्यालयम न, गणेशः गणेशम, जनकः जनकम न। तो मित्रों द्वितीया जिसमें लगी है, द्वितीया लगी किसकी वजह से? परितः की वजह से है, इसीलिए डी राइट आंसर, डी ऑप्शन सही कर लीजिए। आइए अगला प्रश्न आपके सामने, आख्यातोपयोगे सूत्र का उदाहरण है, आख्यातोपयोगे सूत्र का उदाहरण पूछा जा रहा है, जिससे आख्याता माने जिससे नियम पूर्वक विद्या स्वीकार किया जाए, जिससे आप नियम पूर्वक पढ़ते हैं वही आख्याता है। गुरु से आप पढ़ रहे हैं ना, गुरु से आप पढ़ रहे हैं, आख्याता है, नियम पूर्वक विद्या स्वीकरण है। तो इसका उदाहरण पूछा जा रहा है, तो यही अध्यापकात गणितम पठति, सी राइट आंसर, अध्यापकात गणितम पठति, अध्यापक से गणित पढ़ता है। मित्रों 21 सूत्र का उदाहरण है, आख्यातोपयोगे का उदाहरण है, नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल, वसट के योग में क्या लगती है? अभी हमने आपको बताया चतुर्थी, ए राइट आंसर, अभी बताया हूँ, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगाश्च चतुर्थी, वसट के योग में चतुर्थी लगती है। अगला सवाल, चोरात विभेति, चोर से डरता है, डरने में पंचमी लगती है, लेकिन किस सूत्र का उदाहरण है? तो बी राइट आंसर, भित्रार्थानाम भय हेतु, जहाँ पर भी और त्रा धातुओं का प्रयोग किया जाए, तो जो भय का हेतु होता है, जो भय का कारण होता है मेरे भाई बहन, उसे अपादान कहते हैं। और अपादान में कौन सी विभक्ति लगती है? तो अपादान में मेरे भाई बहन कौन सी विभक्ति लगती है? अपादान में पंचमी लगती है। आइए अगला सवाल, एनांग विकारा में कौन सा कारक है? चलिए अभी मैंने आपको बताया, सह अक्षड़ा काणः, या फिर पादेन खंजः, या फिर करणेन बधिरः। एनांग विकार सूत्र का उदाहरण है, जिस अंग में विकार हो उसमें तृतीया लगती है, और जिसमें तृतीया लगेगी उसका नाम है करण कारक, यानी बी राइट आंसर, करण कारक में कौन सी विभक्ति लगती है मेरे भाई बहन? करण कारक में तृतीया विभक्ति लगती है, यानी एनांग विकार सूत्र एक करण कारक में पढ़ा गया है, जिस अंग में विकार होता है उसी अंग में तृतीया लगती है। चलिए अगला सवाल, अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, अभी हमने आपको बताया कि वृक्षात पत्राणि पतन्ति, कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो यही शुद्ध है, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, अलग होने में पंचमी लगती है, वृक्ष में पंचमी लग गई है ना, वृक्षात रामात, राम की पंचमी रामात,
मित्र कहीं आप ता हलंत देखिए, ता हलंत देखिए और उसके पहले दीर्घ कुछ दीर्घ रहे, तो ये मान के चलिएगा पंचमी का एक वचन है। जैसे रामात, बालकात, ग्रामात, वृक्षात, देवात, विद्यालयात, ना ये सब पंचमी है ना। रामा है रामम रामेण रामाय रामात, वैसे बालक है बालकम बालकेन बालकाय बालकात, देवा है देवम देवेन देवाय देवात ना, यानी वृक्षात पत्राणि पतंति, ये राइट आंसर। हिमवतो गंगा प्रभवती, क्या गजब का सवाल है। हिमवतो गंगा प्रभवती, हिमालय से गंगा निकलती है, किस सूत्र का उदाहरण है, तो सूत्र याद कर लीजिएगा। यही परीक्षा में इतने भर पूछा जाता है, हिमवतो गंगा प्रभवती किस सूत्र का उदाहरण है, तो आप बोलिएगा भुवः प्रभवः, या फिर परीक्षा में पूछ ले भुवः प्रभवः सूत्र का उदाहरण बताओ, तो हिमवतो गंगा प्रभवती, अथवा यूं कह लीजिए हिमालयात गंगा प्रभवती, दोनों सही है। हिमवतो गंगा प्रभवती भी सही है, हिमालयात गंगा प्रभवती भी सही है, दोनों राइट है, दोनों सही हैं। मित्र जब पूछा जाए भुवः प्रभवः का उदाहरण बताओ, तो बोलिएगा हिमवतो गंगा प्रभवती, और जब पूछा जाए हिमवतो गंगा प्रभवती किस सूत्र का उदाहरण है, तो आप कहेंगे भुवः प्रभवः। अगला सवाल, आरात रिते पूर्व, इनके योग में कौन सी विभक्ति होती है। अन्य आराति तर्रिक दिक् शब्दांचुत्तर पद आचिया ही उक्ते, इनके योग में कौन सी विभक्ति लगती है, पंचमी लगती है। बी राइट आंसर, बी ऑप्शन को सही कर लीजिए। आरात के योग में, रिते के योग में, पूर्व के योग में कौन सी विभक्ति लगती है, पंचमी विभक्ति लगती है। अगला सवाल, यतस्य निर्धारणम सूत्र किस कारक में पठित है। जिसका निर्धारण किया जाए मेरे भाई बहन, जहाँ से किसी का निर्धारण किया जाए, जैसे कवि नाम अथवा कवि सुकालिदासः श्रेष्ठः न, गोसुगवाम कृष्णा बहुशीरा न, मित्रों ये अधिकरण कारक में पठित है, और इसी से षष्ठी और सप्तमी दोनों विभक्तियाँ लगती हैं। विभक्तियाँ लगेगी षष्ठी और सप्तमी दोनों, लेकिन पठित किस कारक में है, तो पठित है मेरे भाई बहन अधिकरण कारक में। आइए अगला सवाल, जिसका अनादर या तिरस्कार किया जाए, बिल्कुल क्या गजब का है, उसमें कौन सी विभक्ति लगती है। जिसका अनादर अथवा तिरस्कार किया जाए उसमें कौन सी विभक्ति लगती है मेरे भाई बहन। जिसका अनादर और तिरस्कार किया जाए उसमें षष्ठी और सप्तमी दोनों लगती है। षष्ठी च अनादरे, आप जान लेना, आप अध्यापक बनने जा रहे हैं, इसको आपको जानना चाहिए। अनादर किया जाए, तिरस्कार किया जाए, उसमें कौन सी विभक्ति लगती है, उसमें षष्ठी भी लगेगी और सप्तमी भी लगेगी। अगला सवाल, मातुहु अस्मरति, वाक्य में मातुहु में विभक्ति है, मेरे दोस्त मातुहु में षष्ठी विभक्ति है, मातुहु में कौन सी विभक्ति लगी, षष्ठी विभक्ति ना। माता मातरम मात्रा मात्रे मातुहु मातुहु मातरि मातः, माता मातरम मात्रा मात्रे मातुहु मातुहु मातरि मातः, यहाँ मातु स्मृति में मातु में कौन सी विभक्ति लगी है, षष्ठी विभक्ति लगी है। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते मेरे भाई बहन। अगला सवाल, अगला प्रश्न है, आपको दिख रहा होगा, यस्य च भावेन भावलक्षणम्, यस्य च भावेन भावलक्षणम्, सूत्र का उदाहरण पूछा जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ए राइट आंसर। सूर्य अस्त गते गोपागृहम अगच्छन्, सूर्य अस्तम गते गोपाह गृहम अगच्छन्, सूर्य के अस्त होने पर जितने ग्वाले हैं वो सब घर की तरफ अपने गायों को लेकर आ रहे हैं। एक तरफ सूर्य अस्त हो रहा है और दूसरी तरफ ग्वाले अपने गायों को लेकर के घर की तरफ चल रहे हैं।
मेरे भाई बहन हम आपको बता दें यस्य च भावेन भाव लक्षणम सूत्र कहता क्या है, जल्दी से सुन लीजिएगा। जब एक कार्य की समाप्ति होने पर दूसरे कार्य का प्रारंभ होना परिलक्षित हो, जैसे एक कार्य समाप्त हो रहा, सूर्य अस्त हो रहा है, तो एक कार्य तो हो रहा है सूर्य अस्त माने समाप्त। सूर्य का अस्त होना देख करके जितने ग्वाले थे वो सब गायों को लेकर के घर की तरफ चल गए। तो यस्य च भावेन भाव लक्षणम सूत्र का उदाहरण है, बहुत इंपॉर्टेंट। अगला है मेरे भाई बहन, क्रोध ध्रुव ईर्ष्या असूय धातुओं के योग में क्या लगती है, क्या गजब का सवाल है, चतुर्थी लगती है। क्रोध ध्रुव ईर्ष्या असूया, जिस पे क्रोध किया जाए, जिससे द्रोह किया जाए, जिससे ईर्ष्या किया जाए ना, इसमें कौन सी विभक्ति लगती है, इनके योग में चतुर्थी लगती है ना। क्रोध ध्रुव ईर्ष्या असूया इनके योग में चतुर्थी लगती है, क्रोध करने में, द्रोह करने में, ईर्ष्या करने में, असूया यानी गुणों में दोष देखना, इनमें इनके योग में चतुर्थी लगती है। बहुत गजब का सवाल है मेरे भाई बहन। अगला सवाल, हेतव सूत्र का उदाहरण है मित्रों, हेतव सूत्र का उदाहरण है, बी राइट आंसर, अध्ययने नवसति। हेतव सूत्र का उदाहरण यही है, अध्ययने नवसति। अगला सवाल है मेरे भाई बहन, बिना के योग में कौन सी विभक्ति होती है, बिना के योग में कौन सी विभक्ति होती है, तो नोट कर लीजिएगा 235 बिना के योग में द्वितीया भी लगती है, तृतीया भी लगती है, पंचमी भी लगती है। बिना के योग में मेरे भाई बहन द्वितीया, तृतीया, पंचमी तीनों लगती, यानी डी राइट आंसर, द्वितीया भी लगेगी, तृतीया भी लगेगी, पंचमी भी लगेगी। बी बिना के योग में तीन विभक्तियां लगती हैं, द्वितीया, तृतीया, पंचमी, पृथक बिना नानाभिस तृतीया अन्यतरस्याम। पृथक के योग में, ध्यान से सुनिएगा, पृथक के योग में, बिना के योग में और नाना के योग में 235, पृथक बिना और नाना के योग में 235, यानी पृथक के योग में 235, बिना के योग में 235, नाना के योग में 235, यानी पृथक पृथक शब्द के योग में द्वितीया, तृतीया, पंचमी विभक्ति लगती है, बिना के योग में द्वितीया, तृतीया, पंचमी विभक्ति लगती है, नाना के योग में द्वितीया, तृतीया, पंचमी विभक्ति लगती है, यानी पृथक बिना और नाना के योग में द्वितीया, तृतीया और पंचमी विभक्तियाँ लगाई जाती हैं। एक सवाल मित्र मैं और बता दूं, विश्वस शब्द परीक्षा में पूछा जाता है, विश्वस शब्द के योग में कौन सी विभक्ति लगती है, तो विश्वस शब्द के योग में सप्तमी विभक्ति लगती है मेरे भाई बहन। कौन विभक्ति लगती है, सप्तमी विभक्ति, जैसे माता पुत्रे विश्वसति, माता पुत्रे विश्वसति, माता पुत्र में विश्वास रखती हैं, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट, माता पुत्रे विश्वसति, माता पुत्रे विश्वसति, तो विश्वस के योग में क्या लगती हैं, विश्वस के योग में सप्तमी लगती हैं। कुछ विभक्तियां मैं आपको और बता दूं, कुछ और बता दे रहा हूँ जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, द्रोणो ब्रीही, द्रोण का मतलब होता है मेरे भाई बहन, लिख लीजिएगा, ब्रीही माने चावल, परिमाण, द्रोण माने परिमाण, या यूं कह लीजिए पैमाना। सवाल एक तो पूछा जाता है कि द्रोणो ब्रीही किसका उदाहरण है, प्रातपदिकार्थ का है कि लिंग का है कि परिमाण का है कि वचन का है कि संबोधन का, तो मित्रों परिमाण का उदाहरण है, परिमाण नोट कर लीजिएगा। कुछ उदाहरण मैं आपको अलग से दे रहा हूँ जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना, द्रोणो ब्रीही किसका उदाहरण है, तो परिमाण का उदाहरण है, और द्रोणो ब्रीही का मतलब क्या होता है इसका अर्थ भी लिख लीजिएगा, आधा शेर चावल, द्रोणो ब्रीही का मतलब यही होता, आधा शेर चावल, ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक दो सवाल और हम आपको बता दें जो कि
प्रश्न में नहीं थे लेकिन व्याख्या में मैं आपको दे दे रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है। उभयतः उभयतः सर्वतः धिक धिक उभयतः सर्वतः धिक, इनके योग में कौन सी विभक्ति लगती है मेरे भाई बहन, इनके योग में कौन सी विभक्ति लगती है, अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आप बताइएगा कौन सी विभक्ति लगती है मेरे भाई बहन। द्वितीय विभक्ति लगती है उभयतः सर्वतः और धिक, उभयतः सर्वतः और धिक के योग में कौन सी विभक्ति लगती है, तो मेरे भाई बहन द्वितीय विभक्ति लगती है, ये भी याद कर लीजिएगा, बहुत गजब का है। उभयतः सर्वतः धिक, इनके योग में कौन सी विभक्ति लगती है, तो मेरे भाई बहन याद कर लीजिएगा, इनके योग में द्वितीय लगती है। एक सवाल और बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है, उक्त कर्म परीक्षा में दे दे, उक्त कर्म में कौन सी विभक्ति लगती है, उक्त कर्म में, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है, उक्त कर्म में, तो सारे लड़के द्वितीय विभक्ति मार देते हैं, गलत कर देते हैं, 90% छात्र इसका उत्तर गलत मारते हैं। जब उक्त कर्म लिखा रहे मेरे भाई बहन तो प्रथमा विभक्ति मारिएगा, कौन विभक्ति मारिएगा, प्रथमा। मैं आपको फिर बता दूं, जब उक्त कर्म लिखा रहे, उक्त माने होता प्रधान, उक्त का मतलब होता प्रधान, जब आपको कहीं भी उक्त दिखाई दे, ध्यान से सुन लीजिएगा, कहीं उक्त दिखाई दे तो आंख मूंद करके प्रथमा मारना, उक्त दिखाई दे, उक्त कर्ता में, उक्त कर्म में, उक्त करण में, उक्त संप्रदान में, उक्त आपादान में, उक्त अधिकरण में कौन विभक्ति प्रथमा, आगे उक्त लगा रहे मेरे भाई बहन तो आंख मूंद के प्रथमा मारिएगा। इसका सवाल 90% छात्र एग्जाम में गलत कर देते हैं, आपका सवाल गलत नहीं होगा, एग्जाम में पूछा जाए उक्त कर्म में क्या लगती है तो प्रथमा लगती है। कारक से बनने वाले जितने इम्पॉर्टेंट प्रश्न थे मैं कारक पार्ट 1 और पार्ट 2 दो वीडियो में आपको बता दिया हूँ, अभी कारक की विस्तृत व्याख्या यानी एक पूरा कारक मैं आपको, व्याख्यात्मक कारक आपको अभी और पढ़ाना है, तो अभी क्वेश्चन किस तरह एग्ज़ाम में आते हैं, अगर आप कारक पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों वीडियो पढ़ लेते हैं तो निश्चित रूप से आप कोई भी प्रश्न एग्ज़ाम में आएगा आपका सही होगा। मित्रों बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।